हेलो दोस्तों, अभी हम कंपैरिजन करेंगे NT30 सोनालिका का जो NT30 है और स्वराज का जो 724 है और फोर्स का ऑक्स 25 डिलक्स है और DI30 ऑर्चर जो सोनालिका का है। तो इसके अंदर क्या क्या डिफरेंस है और कौन सा प्रोडक्ट हमें चूज़ करना चाहिए, इसके बारे में काफ़ी कंपैरिजन होता है। दोस्तों अगर सीसी की बात करें NT30 की, वो आता है 2044 सीसी। स्वराज का जो 724 है या 245 है वो आता है 1800 सीसी और फोर्स का जो ऑक्स मॉडल है 25 डिलक्स वो आता है 1947 सीसी। DI30 जो है सोनालिका का वो आता है 1670 सीसी। दोस्तों अगर सीसी की बात की जाए तो सबसे बढ़िया सीसी NT30 का दिया है इस सीरीज़ के अंदर, वो है 2044 सीसी। हॉर्स पावर की अगर बात करें तो सबसे बढ़िया हॉर्स पावर जो है वो है DI30 ऑर्चर्ड का, जो 28.3 हॉर्स पावर लेकर आता है। स्वराज जो है वो 23 हॉर्स पावर देता है और ऑर्चर्ड की अगर बात करें तो 24 देता है, जबकि NT30 है वो 27.73 यानी लगभग 28 हॉर्स पावर देता है। तो इसमें भी सोनालिका बढ़िया बाजी मार लेता है। अगर बात करें PTO हॉर्स पावर की तो 23.86 का PTO हॉर्स पावर जो इस सीरीज़ के अंदर सबसे बढ़िया हॉर्स पावर है वो है NT30 का। सेकंड नंबर पे आता है DI30, डेट इज़ 23 हॉर्स पावर लेकर आता है जब तक PTO हॉर्स पावर। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है एज़ फार एज़ आप खेती कर रहे हो, तो आपको जो भी कल्टीवेटर आप यूज़ करते हो उसके पीछे तो PTO हॉर्स पावर बढ़िया होना बहुत ज़रूरी है। जबकि स्वराज आपको 16.41 का हॉर्स पावर देता है और ऑक्स आपको 18 हॉर्स पावर ही दे पाता है। सिलेंडर की संख्या की बात करें तो 2 सिलेंडर में NT30 आता है। स्वराज जो है वो 2 सिलेंडर आता है, ऑक्स जो है वो 3 सिलेंडर आता है और ऑर्चर्ड जो है वो 2 ही सिलेंडर में आता है। तो इसके अंदर 2 सिलेंडर का मॉडल ही सक्सेसफुल मॉडल रहा है, 3 सिलेंडर में अक्सर छोटे मॉडल्स में इंजन फ्लॉप हुआ है। तो दोस्तों अगर हाइड्रोलिक कैपेसिटी की बात की जाए तो 1200 kg का हाइड्रोलिक कैपेसिटी है वो है NT30 का। स्वराज जो है वो 1000 किलो ही उठा सकता है और ऑक्स जो है वो 1035 किलो और ऑर्चर जो है वो है 1100 किलो। तो NT30 सोनालिका का इसमें भी बाजी मार लेता है कि इसकी हाइड्रोलिक कैपेसिटी जो है पीछे की वेट उठाने की जो क्षमता है वो सबसे बढ़िया है 1200 kg की इस सीरीज़ के अंदर। RPM की बात करें तो DI30 ऑर्चर का यानी सोनालिका का और फोर्स का जो है ऑक्स 25 ये बाजी मार लेते हैं, 2200 RPM ही देते हैं, जबकि स्वराज और NT30 जो है 1800 RPM पे ही काम कर लेते हैं। वेट की अगर बात करें इस श्रेणी के अंदर सबसे बढ़िया वेट स्वराज ने दिया है वो है 1430 kg का। ऑक्स का जो है 2 नंबर पे आता है वो 1420 kg, लेकिन सोनालिका के दोनों भी प्रोडक्ट NT30 या फिर ऑर्चर्ड आप उठा के देख लो तो वो है लगभग 1400 kg। फ्यूल टैंक की अगर बात करें तो इसमें सबसे ज़्यादा फ्यूल टैंक है वो है 32 लीटर्स का NT30 और बाकी सब जो है लगभग 25, 29 और 25। तो इसके अंदर सबसे बढ़िया फ्यूल टैंक जो है वो सोनालिका का है NT30 के अंदर। बैकअप टॉर्क की अगर बात की जाए, सबसे बढ़िया बैकअप टॉर्क इस सीरीज़ के अंदर NT30 को आया है वो है 27 का बैकअप टॉर्क, जबकि स्वराज आपको सिर्फ 24 का देता है और ऑक्स आपको 20 का देता है और मेरे ख्याल से ऑर्चर्ड भी 27 का ही बैकअप टॉर्क देता है। इसका टेक्निकल पता नहीं है हमें, इसकी वजह से हमने इसे ब्लैंक रखा है, लेकिन जहाँ तक मेरा अनुमान है ये दोनों भी जो NT30 है और DI30 है दोनों भी बैकअप टॉर्क लगभग सिमिलर ही देते हैं। ग्राउंड क्लियरेंस की अगर बात करें तो 11.41 का ग्राउंड क्लियरेंस आया है NT30 का, जो सबसे बढ़िया ग्राउंड क्लियरेंस है जो आपकी खेती नहीं काटता है। ज़मीन से ऊँचाई इसकी काफ़ी बढ़िया है, स्वराज की देखा जाए तो 8.6 और ऑर्चर्ड की देखा जाए तो 9.96 और DI30 की देखा जाए तो 10.8। सबसे बढ़िया NT30 है इसके अंदर। और टायर साइज़ की जहाँ तक बात करते हैं, 9524 का जो टायर है ये रियर का है, ये कॉमन टायर साइज़ है। क्रॉस प्लेटफॉर्म भी अगर देखें, क्रॉस कंपनीज भी आप देखें तो 9524 का जो टायर है ये कॉमन टायर साइज़ है। और पीछे का जहाँ तक बात करते हैं 515 का टायर आता है, लेकिन अगर NT30 की बात की जाए तो 6565 के टायर साइज़ में आता है जो काफ़ी बढ़िया है। तो दोस्तों ओवरऑल अगर कंपैरिजन आप करेंगे तो NT30 या फिर DI30 ऑर्चर्ड इस सीरीज़ के अंदर आपको लगभग कॉम्पिटिशन से 1 लाख रुपये से सस्ता ये ट्रैक्टर आपको मिलेगा, फिर 5 साल की वारंटी मिलेगी, बढ़िया रहेगा ट्रैक्टर, आप इसे फाइनल कर सकते हो। कोई भी आपको इसके बारे में सवाल आपके मन में है तो आप ज़रूर लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।